वापिस दे दो मुझे, मैंने तैयार होना सुबह इससे। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। फिलहाल अभी हम लोग मंडी पहुंचे हैं और यहीं पर स्टे कर रहे हैं। एक छोटा सुंदर टिकाऊ सा रूम ले लिया। फिलहाल हम लोग उठ गए, पैकिंग कर रहे हैं, पौने 8 बजे, यहाँ से 8 बजे तक निकल जाएंगे। लेट करिए पाज जी ने और दिव्यांशु ने। ये देखो, अरे पाजी जल्दी आओ बाहर यार। सारा सामान बाइकों पे, ऊपर चलते हैं, बाइकें निकालेंगे, चलेंगे मनाली जाना है। मनाली जाके पास वास देखना है, थोड़ी बहुत चीजें देखने की। आज मोदी जी आ रहे हैं टाटा की इनॉग्रेशन के लिए, क्या सिचुएशन है वो हमें वहीं जाके पता चलेगी। क्या मौसम हो रहा है, दिल्ली की गर्मी से यहाँ निकल के मजा आ गया। फाइनली अभी सब लोग रेडी हो गए, बाइक से कोल्ड स्टार्ट देते हैं और हम निकलते हैं। पाजी नींद कैसे आई रात को? बहुत बढ़िया है, ऐसे ऐसे थके हुए थे ना। जाते ही मतलब ये हुआ कि भाई सो जाओ, सुबह उठ के देखेंगे। अभी निकल रहे हैं मंडी से मनाली के लिए और ब्रेकफास्ट रास्ते में देखेंगे, व्यू रास्ते में आएंगे, ड्रोन शॉट रास्ते में देखेंगे। मनाली होटल सिंगर रेस्टोरेंट एंड बार, इसमें हम लोग रुके हुए थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं, दरअसल ये जो सीधा रास्ता है मनाली जा रहा है कुल्लू होते हुए, लेकिन दिक्कत ये है कि रास्ते में काम चल रहा है तो खराब रास्ता है बहुत ज्यादा। तो कह रहे हैं कि यही मंडी से पीछे पीछे रास्ता घूम के जाता है जो कि जंगल के रास्ते जाता है, तो कहीं पे सिंगल है कहीं पे डबल है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, व्यूज बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहीं से निकलते हैं, बेस्ट वही रहेगा। जब आए हम लोग पहाड़ों के लिए तो पहाड़ों के रास्ते ही जाते हैं जहाँ से व्यूज अच्छे मिलेंगे। वैसे भी 100 किलोमीटर चलना है, 100-110 किलोमीटर, तो ज्यादा कोई हेडेक वाली चीज है नहीं। आज का मेन काम बस है कि हमें पास के लिए अप्लाई करना है, पास देखना है कि पास हमारा बन जाएगा नहीं बन पाएगा, क्या सीन होगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या हो गया? अच्छा ये जो स्लोप है ना भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में इसने पूरी पहाड़ी से हमें नीचे उतार दिया है। वो देखो पूरा का पूरा भयंकर स्लोप है। भाई साहब गोप्रो गिर गया, लकीली कुछ हुआ नहीं है, ये टूट गया इसका, देखना पड़ेगा दूसरा स्टैंड इसका है नहीं है, कवर भी गया, कोई बात नहीं गोप्रो बचा हुआ है। संदोवा पहुंच गए, बहुत मस्त व्यूज है। मतलब अगर कोई भी मनाली आ रहा है तो मंडी से मनाली के बीच में कुछ 35-40 किलोमीटर रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, तो आप लोग मंडी से लेफ्ट ले सकते हो। देखो दीप रही बोल रहा है मजा आ गया रास्ते में, मंडी से लेफ्ट ले सकते हो और आईआईटी की तरफ से, आईआईटी मंडी की तरफ से एक रास्ता आ रहा है जो कि गूगल मैप पे आप डालोगे तो वो रास्ता दिखाएगा, इससे आ जाओ कसम से मजा आ जाएगा। ओए होए यहाँ तो छोटी सी नदी भी बह रही थी, रुक सकते थे लेकिन सब लोग आगे निकल गए तो इसलिए रुकना सही नहीं है। रोड्स देख रहे हो, व्यूज देख रहे हो, भाई साहब गजब है। वो देखो रोड सामने पीछे दिखाई दे रही है, और व्लॉगर्स के लिए तो और बढ़िया क्योंकि ड्रोन शॉट जो यहाँ आएंगे ना वो बहुत गजब आएंगे। मैगी आ गई है खाने को, बढ़िया सी
मैगी और चाय मंगाई है ब्रेकफास्ट में, खा के निकलते हैं। ड्रोन शॉट्स का मजा अलग है। और यहाँ पर क्या है, भुट्टे की खेती बहुत तगड़ी है, तो अगर आपको मलाई वाला भुट्टा चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। आपको चाहिए मलाई वाला भुट्टा? थैंक यू सर। चाय पी रहे हैं, हमने चाय का चुस्के लेके। ओह माय गॉड, मलाई वाला भुट्टा इसको चाहिए होगा, मलाई वाला जो रहने को चाहिए होता है। अच्छा। वाह, मैगी भी टेस्टी, क्योंकि पहाड़ों में आके ना मैगी अपने आप और टेस्टी हो जाती है, और साथ में चाय हो तो मजा अलग है। ये रास्ता अगर बन गया ना, मजा आ जाएगा मनाली जाने में। मनाली से जस्ट पहले ये टोल बन गया है नया। अच्छा है, टोल भले ही लग रहा है, हमारा नहीं एक गाड़ी वालों का, लेकिन रोड अच्छी बन गई है। पहाड़ियों की चोटी पे हल्की हल्की बर्फ जो है वो दिखनी शुरू हो गई है। मनाली 4 किलोमीटर रह गया है। पाजी मजा आ गया इस रोड पे तो है। यार एक ना पीछे लेह टू किलोंग रोड निकल रही थी, अब वो क्या थी समझ में नहीं आया। अगर हम जैसे हमें लद्दाख जाना है, हम आने में लेट होते हैं 12 तारीख, कोई दिक्कत नहीं है? ऊपर से आने में नहीं, हम पूछते ना। अच्छा, नीचे से जाता बंदा उसी से। नहीं, आपने क्योंकि वैलिडिटी 9 दिन की बनाई है ना, 3 से 9। छह दिन की बनती है, 7 दिन की। तो ऐसा तो नहीं ऊपर से आएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो? लद्दाख की परमिशन मिलेगी आपको? हाँ, ऊपर से मिल जाएगी, लोग जा रहे हैं लद्दाख तो। थैंक यू सर। तो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए। अब सबसे पहले SDM ऑफिस ढूंढते हैं। उल्टी आ रही? उल्टी मैगी ऊपर आ गई। अच्छा, मुझे लगा खट्टा खाने का मन कर रहा है। सो ये रहा मॉल रोड, SDM ऑफिस ऊपर। लेकिन आज SDM वाले सर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि PM आए हैं। आए हैं? गए नहीं अभी तक। लेकिन आज छुट्टी बना रहे हैं वो। पूछ तो लेते हैं, पता तो कर लेते हैं। चल लेते हैं। कहाँ पर है? सर हम लोग रूम में पहुंच गए थे करीब करीब 2:15 बजे करीब रूम में पहुंच गए थे, और अभी फटाफट जा रहे हैं पास के लिए, क्योंकि 3 बजे का टाइम था कि पास मिल जाएगा। अच्छा, अरे कैमरे में आप तो नहीं गए भाजी। फटाफट चल रहे हैं, बियॉन्ड रोहतांग होता है वो पास बनवाना होता है। 50 रुपए का पास है। 50 रुपए का पास है, कोई उसके 450 कह रहा है, कोई 650 कह रहा है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे खुद बन जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आज क्या मोदी जी आ रही है, बनेगा नहीं बनेगा या पैसा लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से चलते हैं। इधर तो जीना आराम करते हैं, जहाँ जाओ इसे लाके घूमो, पूरी सांस रुकी रहती है। पहाड़ों पे वैसे ही सांस कम आती है, चढ़ाई वैसी है, तो ये और पहन लो। तो फाइनली वी गॉट द परमिट, दिल को सुकून मिल गया है। और भाई चंडीगढ़ से, भाई ब्लॉग्स देखते रहते हैं हमारे, हम लोग ऊपर बैठे थे पास बनवा रहे थे, तो वहाँ पे पहचान लिया था भाई को, मास्क में पहचान लिया, मिल गया, अच्छा लगा भाई। आप कहाँ जा रहे हो? मैं यार कल रोहतांग। अच्छा रोहतांग, तो ये रोहतांग ही जा रहे हैं हम लोगों को, सबको पास मिल गया। ये रहा हमारा पास। फाइनली आफ्टर अपडेट, क्या समझे, मतलब कुछ पता नहीं था पास मिलेगा। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है हम लोग, वहाँ से मंडी से चले वीडियो में मैगी खा रहे थे। पिछले ब्लॉग सुबह खाया दोनों, लंच नहीं किया। हाँ, मतलब मैगी खा रखी सुबह से और कुछ नहीं खा रखा। अब खाते हैं फटाफट के, खाना खाने चलते हैं। हमारे पाजी गायब हो गए, उनको भी ढूंढते हैं। फाइनली भाई साहब कैसा लग रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। सीन क्या था, आज मोदी जी आए थे तो पास बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, बन गए वो बात अलग है। उसके बाद क्या था, कल संडे था तो कल भी बनता, अगर हमें आज पास नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे संडे भी रुकना पड़ता, और मंडे पास मिलता, मंडे को जब पास 11:30 पास मिलता उसके बाद हम लोग निकलते, तो हम लोग मे बी जिसपा तक पहुँच पाते। तो कल हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट हम लोग लेह लद्दाख पहुंचे, अब कोशिश करेंगे देखो क्या होता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ बर्फ पड़ी हुई है इसलिए बाइकर को जाने नहीं दे रहे। पाजी को बोल रहे हैं कि बर्फ वर्फ पड़ी हुई है, रोड पे जाने दे रहे हैं, पास कैंसिल हो गया है। वो पाजी आ जाएंगे फिर उनके रिएक्शन देखेंगे, पास मिलने पे कैसे होते हैं। चूतिया मत बनो। मजा आ गया। फिलहाल हमारी सारी तैयारी कल के लिए हो गई है, बस हेलमेट का माउंट तोड़ करके इसमें नया माउंट लगाना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इससे क्या है हेलमेट बहुत ज्यादा भारी हो जा रहा है, तो नेक में थोड़ा सा पेन आ रहा है, तो इसको छोटा वाला लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा वेट जो है कम हो जाए, क्योंकि कल क्या है मैक्सिमम जो रास्ता होने वाला है वो ऑफ रोड होने वाला है। वापिस दे दो मुझे, मैंने तैयार होना सुबह इससे। हम लोगों ने गम बूट्स भी ले लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वाटर क्रॉसिंग करनी होती है, तो वाटर क्रॉसिंग में बाकी जो जूते हैं वो गीले हो जाते हैं, पैंट वेंट गीली जाती है, तो ये गम बूट्स के कारण थोड़ा इजी रहता है। लॉन्ग वाले इसीलिए लिए हैं कि पानी अगर होगा भी तो इतना इतना जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा भी तो चल जाएगा, देख लेंगे और क्या कर सकते हैं। कर लो शूट कर लो। दाल चावल खा रहे हैं, लाइट खाना ताकि सुबह हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो। खाना खाओगे नहीं आप? कट। पैकिंग सारी हो गई है, बस सुबह सामान उठाना है, निकलना है,
इनकी भी हो गई है पैकिंग, उसकी पैकिंग हुई है, वो जाके अभी नहा रहा है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज अक्षय, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। इसकी चुन्नी पे नजर मत मारना, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।